नमस्कार, बीए द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत और हम लोग हमारा दोहरान कार्य के अंतर्गत आज बात करेंगे संस्कृत की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कि जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उनका जो निर्माण किया जा रहा है उनके अंदर किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, तो आइए कुछ विशेषताओं की चर्चा हम लोग करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं के अंतर्गत दो भागों में इसकी विशेषता की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आंतरिक गुण और बाह्य गुण, आंतरिक गुण और बाह्य दो प्रकार के गुण होने चाहिए जो किताब होती है उसके अंदर। पहला है रोचकता। आंतरिक गुण मतलब रोचकता, विषय वस्तु जो दी गई है वो रोचक पूर्ण ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए। रोचकता मतलब कि जो छोटी कक्षाएं होती है, छोटी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें रंगीन चित्रों का समावेश होना चाहिए। अब अगर हम बड़ी कक्षाओं की बात करें तो यहाँ पर रंगीन चित्रों की अपेक्षा कुछ ऐसी ये कहें सृजनात्मकता लाने से संबंधित ऐसे जो विशेषताओं संबंधित समेकन बिंदु दिए होने चाहिए, मतलब कि जिस कार्य को बालक रुचिपूर्ण ढंग से करें, मतलब जिसे पाठ पढ़ाया एक अध्यापक ने, अब अध्यापक ऐसा कार्य बालकों को दे, अब पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत ही उस गुण का रोचकता संबंधित गुण का समावेश होना चाहिए और जो ये कहें कि बालक जिसमें रुचि ले उस प्रकार की पाठ्य सामग्री का समावेश उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो पाठ्यपुस्तक है वो रोचकतापूर्ण होने चाहिए। फिर है जीवन से संबंधता। जीवन से संबंधता, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो पाठों का समावेश किया गया है वो जीवन से संबंधित होने चाहिए। यदि अगर वो जीवन से संबंधित नहीं हुए तो विद्यार्थी है वो उसको सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, मतलब कि पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, क्योंकि बालक जिस ज्ञान को वो जानते हैं या आसपास देखते हैं, परिवेशी ज्ञान की अगर हम बात करें, मान लो जैसे आसपास का वातावरण उससे संबंधित पाठों का समावेश अगर उसमें होता है तो विद्यार्थी उस ज्ञान को पढ़ते भी हैं और आसपास से उसे अनुभव के द्वारा जोड़ते हुए उस ज्ञान को स्थायी भी बनाते हैं। तो जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जीवन से संबंध से संबंधित विषय वस्तु का समावेश होना चाहिए। फिर है विविधता। विविधता की अगर हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गद्य पद्य व्याकरण से संबंधित पाठों का समावेश होना चाहिए, इससे कि विविधता तो अगर पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत होगी तो विद्यार्थी है वो रुचिपूर्ण ढंग से उसे पढ़ेंगे। विविधता नहीं होने के कारण बालक है उसे पढ़ेंगे तो लेकिन एक परीक्षा पास करने की दृष्टि से उसे पढ़ेंगे, तो विविधता लिए हुए पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। फिर है अवस्था अनुरूप विषय वस्तु। अवस्था अनुरूप विषय वस्तु, अवस्था अनुरूप विषय वस्तु से मतलब है कि जिस प्रकार की आयु या योग्यता बालकों की है उसी के आधार पर पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत विषय वस्तु यानी पाठों का समावेश होना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए सरल पाठों का समावेश, फिर उनसे बड़ी कक्षाओं के लिए थोड़ा कठिन, और उससे बड़ी कक्षाओं के लिए अगर हम कहें कि कुछ साहित्य से संबंधित तथ्यों का समावेश भी उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कर सकते हैं। तो अवस्था अनुरूप विषय वस्तु में बदलाव होना चाहिए। फिर है नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास, पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो पाठों का समावेश किया गया है वो बालकों के नैतिक गुणों का विकास करने में सहायक हो, इसी प्रकार के पाठों का समावेश उसके अंतर्गत होना चाहिए। यदि अगर ऐसे पाठों का समावेश नहीं होगा तो बालक केवल उसे पढ़ाई से संबंधित ज्ञान को ही ग्रहण कर पाएंगे, नैतिक गुणों या नैतिक आचरणों को वो अपना नहीं पाएंगे, इसीलिए नैतिक गुणों का विकास करने वाले पाठों का समावेश उसमें होना चाहिए। फिर है ज्ञान परक विषय वस्तु। ज्ञान परक विषय वस्तु, विषय वस्तु है वो बालकों को शिक्षा प्रदान करने वाली विषय वस्तु होनी चाहिए। अगर ज्ञान से संबंधित विषय वस्तु नहीं होगी तो बालक है वो जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे कर पाएंगे, मतलब कि ज्ञान परक ज्ञान का उपयोग हम हर जगह कर सकते हैं। यदि उसमें ज्ञान से संबंधित विषय वस्तु होगी ही नहीं तो बालक केवल उसे पढ़ेंगे और उसी समय उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि केवल उसे पढ़ने मात्र से लेंगे, उसको समझना या स्थायी रूप में उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान पर विषय वस्तु का समावेश होना चाहिए। फिर है वर्तमान विषयों का समावेश। वर्तमान विषयों का समावेश,
संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत वर्तमान से संबंधित जो नवीन तथ्य है उनका समावेश किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में स्वच्छता अभियान से संबंधित का बहुत सारे कार्यक्रम चले, तो स्वच्छता अभियान से संबंधित एक निबंध को हम लोग पाठ्य पुस्तक की विशेष सामग्री अंतर्गत जोड़ सकते थे। इसी प्रकार से जो नवीन ज्ञान है उसका समावेश संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत किया जाना चाहिए। फिर है भाषा एवं शैली की दृष्टि से, भाषा एवं शैली की दृष्टि, भाषा और शैली की दृष्टि से की बात करें तो आज की जो पाठ्य पुस्तक छप रही है, आज की जो पाठ्य पुस्तक है वो पाठ्य पुस्तक बहुत ही सरल और ये कहें कि स्वाभाविक दृष्टि से दी हुई है। उनकी शैली है बहुत ही सरल है, बालकों को समझने के लिए यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि उसका अन्वय या कहें कि शब्दार्थ है वो वहीं पर दिए होते हैं, बालक उसे आसानी समझ लेते हैं। तो आजकल जो पाठ्य पुस्तक है वो भाषा और शैली की दृष्टि से बहुत ही अच्छी होती है। और विशेषता की हम बात कर रहे हैं जो कि भाषा और शैली की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक है वो बहुत ही सही होनी चाहिए, अन्यथा पाठ्य सामग्री अध्यापक को कोई समझ में नहीं आएगी तो विद्यार्थियों को किस प्रकार समझाएंगे। फिर है अभ्यास की दृष्टि से, अभ्यास की दृष्टि से हम बात करें तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत उचित स्थान इन अभ्यास प्रश्नों या अभ्यास कोई भी कार्य हो उनको दिया होना चाहिए। अगर अभ्यास कार्य नहीं दिया होगा तो अध्यापक है बालकों को अभ्यास नहीं दे पाएंगे और विद्यार्थी है वो अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उन्हें संस्कृत की पाठ्य वस्तु वो कंटस्थ नहीं हो पाएगी। अब हम बात करें, ये है आंतरिक जो कि किताब के अंतर्गत होता है। अब बाह्य गुण मतलब किताब का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसकी हम बात करेंगे। तो पहले पाठ्य पुस्तक का नाम, किताब पर बाह्य गुण के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम लोग तो पाठ्य पुस्तक का नाम उस पर अंकित होना जरूरी है। पाठ्य पुस्तक का अगर नाम अंकित नहीं होगा तो बालक है उस पुस्तक को पहचानने में उसे समस्या होगी। फिर है आकार, आकार की बात करें तो आकार बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। बड़ा होता है तो विद्यार्थियों को बैग में रखने में समस्या होती है और छोटा अगर आकार होता है तो विद्यार्थी है अगर आकार छोटा होगा तो उसके अंदर जो विषय वस्तु है वो भी छोटी छोटी छपी होगी, बालकों को समझने में कठिनाई होगी, इसीलिए आकार उनका बराबर होना चाहिए। फिर है कागज, बालक पाठ्य पुस्तक को पूरे वर्ष पर्यंत अपनाते हैं इसीलिए जो कागज है उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि जो बड़े बालक है वो तो बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेते हैं, छोटे बच्चे हैं अगर क्वालिटी खराब होती है तो किताब ज़्यादा समय तक उनके पास नहीं रह पाएगी, इसलिए कागज की क्वालिटी है बाह्य गुण के अंतर्गत कागज और कागज की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर है मुद्रण, मुद्रण यानी छपाई, छपाई है वो बहुत सही होनी चाहिए, जहाँ पर ये कहें कि रंगीन मुद्रण किया जाना है वहाँ पर रंगीन होना चाहिए जिससे कि बालक है वो विषय वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से समझे, और मुद्रण है वो ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए जिससे कि पीछे पेज पर छप जाता है और विद्यार्थियों को आगे वाला पेज समझने में दिक्कत होती है। मुद्रण है वो कहें कि धुंधला नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से मुद्रण का विशेष ध्यान रखना चाहिए बाइबल में। फिर है चित्र, विषय वस्तु से संबंधित उचित चित्रों का समावेश होना चाहिए। इसके अलावा जिल्द है वो अच्छी गत्तेदार होनी चाहिए जिससे कि पुस्तक है लंबे समय तक चले। फिर है आवरण, आवरण की बात करें तो जिल्द पर एक पन्नी या अगर जिलेटिन जो पन्नी होती है उसका कवर होना चाहिए जिससे कि वो किताब है पानी या फिर कोई वस्तु ढूलने पर खराब ना हो। फिर है परिचय, किताब पर उचित परिचय दिया हुआ होना चाहिए। संदर्भ, किताब के जो बाहरी पेज है जो लास्ट वाला जो पेज होता है उस पर संदर्भ ग्रंथ होने चाहिए कि पुस्तक है वो कहाँ से, पुस्तक का जो विषय वस्तु वो कहाँ से ली गई है, संदर्भित पाठ्य पुस्तकों को जो अपनाया गया है वो सारे संदर्भित पाठ्य पुस्तकों के नाम और उसके ऑथर के नाम लिखे होने चाहिए। फिर है मूल्य, राजकीय पुस्तकों में तो ये मूल्य होता नहीं है लेकिन जो निजी विद्यालयों में अपनाई जाने वाली पुस्तक है उसका ऊपर मूल्य अंकित होना आवश्यक है। मूल्य अंकित होने से विद्यार्थियों को खरीदने में सुविधा रहती है, कोई भी अपनी मनमाने ढंग से पुस्तक का क्रय नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्रय या विक्रय नहीं हो पाएगा, इसीलिए मूल्य अंकित होना आवश्यक है।
अब है आपका गृह कार्य प्रश्न। आज जो आपने दौरान कार्य में पढ़ा है इसी को आपने अपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिख कर लाना है। संस्कृत पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। संस्कृत पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करना आपको अपने उत्तर पुस्तिका में दोहरान कार्य के रूप में। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि इस महामारी के दौरान में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर या बाहर जाते हैं तो तीन बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।